हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल सकती है, गैप अप ओपनिंग भी हुआ, और मैंने आपको बोला भी था कि सेकंड हाफ में वोलेटिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है, और मैंने आपको बताया भी था कि जिगजैग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, फर्स्ट हाफ में हमें तेजी देखने को मिली और सेकंड हाफ में हमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो ये हैमर का लो अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 34,455 के आसपास। अगर ये लो टूटता है तो एक शार्प फॉल, बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है अभी एक और दिन हमें और थोड़ा बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल के दिन में भी थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, वॉलेटाइल मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर यह ब्रेकडाउन देने से पहले और यहाँ पर एक और कैंडल बना सकता है, उसके बाद मुझे लगता है थर्सडे को एक्सपायरी डे के दिन एक ट्रेंडेड मूवमेंट ऑन द डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। अगर 34,500 टूटता है तो 500,000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में हमें इजीली देखने को मिल सकता है, और निफ्टी में अगर 14,800 अगर टूटता है, 14,600 तक फॉल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अभी मुझे थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है मार्केट, कल के सेशन में भी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, एक रेंज में ट्रेड कर सकता है, जिगजैग अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल भी आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में मुझे लगता है थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो कल आपके लिए एडवाइजेबल होगा कि थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, कल मैं इतना डायरेक्शनल मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर 34,500 टूटता है तो ही बैंक निफ्टी एक डायरेक्शनल मूवमेंट कर सकता है ऑन द डाउन साइड, अदरवाइज मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस चुका है। 34,500 से लेके 36,000 तक ये 1200-1500 पॉइंट की रेंज है, बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में वॉलेटाइल हो सकता है। निफ्टी भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 15,100 तक जा सकता है, लेकिन 15,120 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया भी था। 15,100 तक भी नहीं गया, 15,080 का हाई बना के वापस ये फॉल हो गया। निफ्टी में भी 14,800 ये हैमर का लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये हैमर का लो टूटता है तो 14,500-14,600 तक के लेवल्स भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो हैमर का लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मुझे लगता है इसमें भी ब्रेकडाउन देने से पहले यहाँ पर एक और वॉलेटाइल कैंडल ये बना सकता है। उसके बाद थर्सडे के दिन क्योंकि एक्सपायरी है, हो सकता है हमें एक डाउनफॉल देखने को मिले, एक ट्रेंडेड मूव हमें देखने को मिले। सो कल आपको थोड़ा कॉशियसली होकर ट्रेड करना पड़ेगा, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना और ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्ट मत करना। जब तक ये 34,500 नहीं टूटता तब तक मुझे नहीं लगता कल के सेशन में एक ट्रेंडेड मूव हमें देखने को मिलेगा। जब तक ये 34,500 के ऊपर है बैंक निफ्टी, जब तक निफ्टी 15,800 के ऊपर है, तब तक हमें थोड़ा वॉलेटाइल सेशन ही देखने को मिल सकता है। अगर कुछ भी लेवल्स में चेंजेस होते हैं या कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।